तहरीक लब्बैक के मार्च और धरने के बाईस बंद जीटी रोड को दो हफ्ते बाद खोल दिया गया। मार्च को रोकने के लिए खोदी गई खंदकें भी भर दी गई। वजीराबाद में ताहाल इंटरनेट सर्विस बहाल नहीं हो सकी, जबकि जीटी रोड से मुल्हिका पार्क में तंजीम का धरना जारी है। नैयर आलम से जानते हैं। नैयर आलम, बताइएगा और इस वक्त वजीराबाद की क्या सूरत हाल है? धरना मुजाहरीन मौजूद है अपनी जगह पर? जी बिल्कुल, वजीराबाद में तकरीबन जो है वो इस वक्त मजहबी जमात का धरना जीटी रोड के मुल्हिका पार्क अमरनाथ चट्टा पार्क में अभी जारी है और धरने को जो है वो आज दसवां रोज जारी है। लॉन्ग मार्च जो था वो धरने में तब्दील हो गया हुआ है और शुरका जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और कायदीन का कहना है कि जब तक जो है वो इनके हुकूमत के साथ किए गए मुजाकरात में मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं होता मुआहदे पर, उस वक्त तक जो है वो ये धरना जारी रहेगा। जब तक कायदीन आकर यहाँ पर धरना खत्म करने का ऐलान नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है वो शुरका यहाँ पर मौजूद रहेंगे। बात की जाए शहर में ट्रैफिक के हवाले से तो जीटी रोड अंदरूनी तो काफी दिनों से जो है वो खोल दिया गया हुआ है और अभी तक जो है वो यहाँ पर नेट सर्विस 10 दिन से बहाल मुअत्तल है और इसको बहाल नहीं किया गया, जिसकी वजह से जो है वो ऑनलाइन काम जो है कारोबार है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो ठप होकर रह गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नैयर आलम आपका।